शास्त्री नगर में बीती शाम को बजरंग दल के पूर्व पदाधिकारी रमेश सिंधी को एक मोटरसाइकिल पर आए तीन युवकों ने गोली मार दी। हमलावर गोली मारने के बाद मोटरसाइकिल से भाग निकले। घायल रमेश को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से इंदौर रेफर किया गया। पुलिस ने तीनों हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक बीती शाम को रमेश सिंधी निवासी नेमिनाथ नगर शास्त्री नगर स्थित सिविक सेंटर में अपने ऑफिस के बाहर कुछ मित्रों के साथ बैठा हुआ था। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीनों आरोपी युवक लोकेंद्र उर्फ गट्टू पिता रामचंद्र भूरिया, मोनू उर्फ मनोज पिता रत्नाकर राव तथा गनी उर्फ गजेंद्र शक्तावत आए। लोकेंद्र ने रमेश से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। रमेश ने लॉकडाउन के कारण व्यवसाय नहीं चलने से पैसे नहीं होने की बात कही और समीप हेयर सैलून की दुकान में चला गया। इस पर आरोपी लोकेंद्र भी पीछे पीछे दुकान में घुसा और गोली मार दी। गोली मारने के बाद लोकेंद्र वापस अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से भाग निकला। घायल रमेश को उनके मित्र तत्काल इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आए। रमेश सिंधी को गोली मारने की खबर शहर में फैली तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े युवा भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बकरवाल, CSP हेमंत चौहान, दोवत्ती थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला भी जिला चिकित्सालय पहुंचे। गोली रमेश सिंधी की पसलियों में लगी थी। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे इंदौर रेफर किया। स्टेशन रोड पुलिस ने तीनों आरोपी लोकेंद्र उर्फ गट्टू, मोनू उर्फ मनोज और गनी उर्फ गजेंद्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। एक आरोपी लोकेंद्र उर्फ गट्टू को वर्ष 2012 में कॉमर्स कॉलेज के पीछे हुई अतुल गुप्ता की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वह वर्ष 2017 में हाईकोर्ट से मिली जमानत के कारण जेल से बाहर था। ऑफिस के बाहर थे हम वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। रमेश जी हमारे वहीं खड़े हुए थे। तीन लड़के आए गाड़ी पे, रमेश जी हमको दारू पिलवाओ, दारू पीनी, हमको दारू पीने के लिए आए हम आपके पास में, ऐसा बात कर रहा था। रमेश जी ने मना कर दिया, बोले पैसे से है नहीं, कहा दारू पिलवा तुमको। रमेश जी ऐसा बोलकर नाई की दुकान में चले गए, जाके कुर्सी बैठे हुए थे। वो लड़का पहले ऑफिस में गया, उसने पानी पिया, वापस बाहर आया तो फिर रमेश जी के पास में गया अंदर नाई की दुकान में, और रमेश जी कुर्सी पर बैठे थे नाई की, उसी समय कुर्सी पर गोली मार के भाग गए। कितने लोग थे? लोग तीन जने थे सर। कैसे भागे लोग? ये सर बाइक से आए थे, साइन करके गाड़ी चीन के बाद में ग्रे कलर की। कौन है भाग मारने वाला? कौन है सर? ऐसे नहीं बताते, पहचानते मुँह पर कपड़ा बांध रहा है भाई, कैमरे में है अपना, कैमरे लगे ऑफिस पे, कैमरे में पूरा आया होगा। उसके बाद में सर उसका नाम गट्टू महाराज करके बता रहे हैं। शाम को 6:30 के आसपास शास्त्री नगर में रमेश सिंधी और मामा सब लोग बोलते हैं, उनके ऑफिस में अपने दोस्त नवीन पॉल, गौरव शर्मा, जितेंद्र रावत, दीपक सोनी आदि के साथ बैठे हुए थे। बाद में बगल में एक प्रकाश नाई की दुकान है, वहाँ पर आशु टाग जो है वो सेविंग करा रहे थे। उसके बाद रमेश भी वहाँ गए और प्रकाश नाई की दुकान में ही आरोपी जो हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनमें इनको साइड से गोली मारी है। आरोपी का नाम क्लियर हो गया है और उसके साथ में दो लोग और थे जिस गाड़ी से वो आए थे, वो भी क्लियर हो गए। थोड़ी देर में हम अभी घटना का कारण और मुख्य उद्देश्य क्या था मारने का, ये आरोपी के मिलते ही हम इसको आप लोगों को शेयर करेंगे। घायल की क्या स्थिति है सर? घायल अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, उनको साइड से गोली लगी है, अभी ठीक थे, बातचीत कर रहे थे, फिर अभी इंदौर रेफर हुए हैं। राउंड अप कर लिया? बहुत जल्दी हो जाएगा, हमको इनके बारे में नामजद हो चुके हैं, बहुत जल्दी हम उसको राउंड अप करके आपको अपडेट कर देंगे। तो प्रीवियस रिकॉर्ड सर, जो जिसको गोली लगी उसका था, कुछ निकला? प्रीवियस पहले का कोई रिकॉर्ड निकला है रमेश सिंधी जो घायल हुआ उसका? अभी हम जस्ट मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, दिखवा रहे हैं, इन सबके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पुरानी भी मिली है, तो मैं थोड़ी देर में सारा अपडेट कर दूँगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। बुधवार रात तक यह आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। नयापुरा निवासी 23 वर्षीय प्रसूता की COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला को MCH में अलग लेबर वार्ड में आइसोलेटेड किया गया है। देर रात कलेक्टर रुचिका चौहान, ADM जमुना भिड़े ने अमले के साथ नयापुरा का निरीक्षण कर नया कंटेनमेंट एरिया बनवाया है। अब तक शहर में 10 पॉजिटिव मरीज हैं तो 11 कंटेनमेंट एरिया हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग उक्त प्रसूता की डिलीवरी के लिए अलग व्यवस्था कर रहा है। प्रोटोकॉल के तहत प्रसूति के लिए डॉक्टर्स एवं स्टाफ भी किट पहनकर काम करेंगे। आस्था स्थल कालिका माता मंदिर के समीप बसे महालक्ष्मी नगर के रहवासी इन दोनों समस्याओं से त्रस्त है। इस क्षेत्र में गंदगी से जाम पड़ा नाला और सीवरेज की खुदाई के बाद जर्जर पड़ा रास्ता परेशानी का कारण है।
क्षेत्र के नाले से उड़ता प्रदूषण जब बीमारी पैदा कर रहा है, वहीं मच्छरों की भरमार से रहवासी परेशान है। इस नाले की कई मरतबा शिकायत के बाद भी अब तक सफाई नहीं हुई है। यह सीवरेज खुदाई जो टेंडर विपरीत है, टेंडर की शर्तों में खुदाई के बाद पेचवर्क तथा सड़क बनाना शरीक है, जिसे ठेकेदार नहीं मानता, जिस पर नगर निगम अधिकारियों का ही संरक्षण रहता है। खुदाई वाले हिस्से ने अब गड्ढे का रूप ले लिया है, जहां आए दिन बच्चे और रहवासी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। शहर में अमूमन जगह जगह ठेकेदार काम अधूरा छोड़ गए हैं, लेकिन निगम ने अब तक कोई पहल नहीं की है। क्षेत्रीय नागरिक बताते हैं, ये हमारे को ये समस्या है साहब, के इधर ये मोहल्ले में नगर निगम वालों ने एक रोड खोद दी, पाइपलाइन डाली अंदर, वापस इसके बाद कोई हुआ ही नहीं इसका निराकरण। और उसके बाद में ये बच्चे गिरते हैं, बच्चे खेलते हैं, हम भी आते हैं रात को, हमारे पांव फिसल जाते हैं, हमारे पांव में मोच आ गई थी एक बार। उसके बाद में फिर है तो ये नाला, नाले से इतने परेशान हो गए, बदबू आ रही है यहाँ पे, बरसों से कोई सफाई नहीं हुई है यहाँ पे नाले की। महालक्ष्मी नगर कालका माता के पास में, उसके बाद में बुजुर्ग लोग आते जाते हैं, गिर जाते हैं यहाँ पे, एक का पाँव फ्रैक्चर हो गया एक लेडीज़ का, वो भी अभी वहाँ चार अस्पताल में भर्ती है। शिकायत करी थी नगर निगम में, तो नगर निगम वाले कहते हैं कि ठेकेदार का नाम बताओ और ठेकेदार का पता बताओ। अब हम ठेकेदार को ढूंढने जाएंगे क्या? अब हमारे यहाँ तो ये कीचड़ हो रहा है, हम बुजुर्ग लोग 62-63 साल के, हम यहाँ बार बार गिर जाते, ये खड्डे हो रहे हैं, ये बारिश की वजह से इतना कीचड़ हो रहा है कि आप चारों तरफ देखो और ये नाले की समस्या देखो कैसी हो रही है। ये शहर में शुरू होने वाला निर्माण कब तक पूरा होगा पता ही नहीं चलता, और ठेकेदार अपना काम पूरा कर तमाम अव्यवस्थाएं खड़ी कर चला जाता है। डोंगरे नगर क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए 5 महीने पहले हुई खुदाई यहां के रहवासियों के लिए समस्या बन गई है। गुजरात की कंपनी के ठेकेदार पाइपलाइन डालकर चले गए, लेकिन सड़क पर मरम्मत नहीं होने से खुदाई वाले हिस्से ने गड्ढे का रूप ले लिया है। इस गड्ढे में बरसाती पानी पहले ही दिन भर गया, मानसून के हालातों से रूबरू करवा दिया। यह गड्ढा सरकारी स्कूल के नजदीक है, जिससे यहाँ बच्चों का तो डर है ही, वहीं रहवासी भी परेशान हैं। लेकिन तब से अब तक निगम इसे भरवा नहीं सका है, जो हादसों का कारण बनेगा। जिले में कोविड-19 के तहत 34 फीवर क्लिनिक खुलने जा रहे हैं, जहाँ मरीजों का उपचार और जाँच की जाएगी। इन फीवर क्लिनिक में डॉक्टर की सेवाएं लेने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के निजी चिकित्सकों के साथ आज बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने प्राइवेट रूप से चिकित्सा में लगे डॉक्टरों की सेवाएं लेने और स्वयं डॉक्टर सामान्य दिनों की तरह काम करें जैसे सब्जेक्ट पर चर्चा कर सुझाव लिए। डॉक्टरों ने कलेक्टर को मदद का भरोसा दिलवाते हुए सुझाव दिए। बताया जाता है कि इस काम में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टरों की सेवाएँ भी ली जा सकती है। सारी एयरलाइन का डाटा हमको तो